I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long night. I've been shining in the sunlight. भाई राम राम सबने, तो भाई स्वागत है भाई आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज का सीन ये है कि असल में आज हमारे मंदिर पर ना भाई खेड़ा पूजा है। ये ना साल में हर साल में एक बार होता है, जितने भी हमारे गांव के देवी देवता हैं भाई उन्हें खुश करने के लिए, उनकी उनके आशीर्वाद के लिए, ताकि भाई हमारी फसल अच्छी रहे, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो भाई इसके लिए भाई हम हर साल भाई खेड़ा पूजन करते हैं और डोला निकलता है। आप पूरा का पूरा देखना भाई ब्लॉग में, आज कितना मज़ा आने वाला है। ठीक है, मैं अभी तो नहीं बताऊँगा, स्पॉइलर हो जाएगा। ठीक है भाई, आखिर तक भाई ब्लॉग देखना ये वाला। तो भाई शुरू करते हैं भाई इस ब्लॉग को। और जो भाई जिसने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करा भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो भाई। जय राम जी। चलो भाई शुरू करें। राम राम दोस्तों, भाई स्वागत है आपका एक और भाई नए ब्लॉग में। तो भाई आज है भाई खेड़ा पूजन भाई हमारे मंदिर में। तो भाई सुबह से तैयारी एकदम लगभग चालू हो गई। भाई राहुल भैया, भैया चमका दो एकदम। हाँ भाई लगे रहो, बहुत बढ़िया, ढंग से सफाई हो रही है। अरे देखो रोमिल साढ़े कर दुआ और दे सकते हो आप। गांव के सभी युवा यहाँ पर लगे हुए हैं। इधर राहुल देखो, इधर रोमिल भी काम करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखो लड़कों ने एकदम टेंट तैयार कर दिया भाई, बहुत मेहनत यार। तो वो देखो वहाँ पे भाई डोला सजरा, अभी आपको वहाँ पे लेके जाएंगे, दिखाएंगे भाई कैसे बना रहे हो। अभी क्या है ना, थोड़ा मैं यहाँ पे सफाई वगैरह निपटा लेते हैं वाइपर से, तो पूरा धुलाई वगैरह करके फिर आपको और चीज़ें दिखाऊँगा वहाँ जाके। बहुत बढ़िया यार, सभी लड़के यार बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो भाई लौंडे लगे पड़े, वाह भाई शाबाश। ये है भाई कड़ी, वो ही घेर दी इसमें लास्ट में। वाह भाई मिक्स आलू की सब्जी। वो देखो ट्रुल्लू, तो जबरदस्त रायते की तैयारी हो रही है। वो देखो एक तीन गिलास गिनना, एक आदमी तीन गिलास। नहीं बनेगा तो रायता इसका, नहीं पल्लर है रायता। अच्छा तो भाई अभी अभी नई ताजा चीज पता चली, पल्लर बनेगा भाई इसका। देखो लड़के अपने नरम नरम हाथों से गरम गरम आलू छीलते हुए। टुल्लू ढक्कन ले यार वाला। टुल्लू एक काम करो, मैं दलाया समोसे तल लो फटाफट। चलो भाई मैं तो हो गया रेडी यार। मेरा तो प्लान ये था कि कुर्ता पहनने का प्लान था, पर यार पता नहीं कहाँ है, घर बन रहा ना, तो सारा का सारा सामान इधर उधर है। मैंने बहुत ढूंढा भाई, मिला ही नहीं। पहले यार मेरा तो बहुत मन था कुर्ता पजामा पहनने का, पर क्या करे यार नहीं पहन पाए। हवन वगैरह बस अब शुरू होने वाला है। देखो ढोल वाले भी आ चुके हैं और पूजा भी जस्ट अब शुरू होने वाली है। मंदिर पर पहुंचे जय माता की। पूजा शुरू हो चुकी है। माइक लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ माइक लगा, माइक लाओ इधर। भाई सबके अब टीका वगैरह लग रहा है, ये हमारे भैया के जी के भी लग गया। अरे भैया पीछे से थोड़ा ये तो यार एक कसम बहुत ही ज्यादा प्राचीन पूजा है यार, बहुत ही ज्यादा प्राचीन पूजा। मुझे लगता है कम से कम यार 100 से ऊपर साल हो गए होंगे इस पूजा को होते हुए यार। बहुत ही प्राचीन पूजा है हमारे गांव की। मगर अभी क्या है ना भाई, ये झंडे की पूजा कर रहे हैं, फिर देखे हैं ये झंडा ना भाई पूरा ऊपर बांधा जाता है। देखे हैं भाई कौन है दिलेर बंदा आज जो चढ़ेगा। सिब्बू चढ़ेगा यार सिब्बू। भाई ये झंडा पूरा हाइट पे वहां ऊपर बांधा जाएगा यार। भाई हवन क्रिया शुरू हो चुकी है।
टल्लू कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया एकदम। ये कब से हो रही है मुझे आपको बताया था अभी एक से पूछा था 100 साल से भी ऊपर हो चुका है यार, मतलब हम चौथी या पांचवी पीढ़ी है। बहुत ही प्राचीन पूजा है यार दोस्तों हमारे गांव की। तो दोस्तों आप कहते हैं हमारे संजीव भैया बताएंगे इसके बारे में यार, थोड़ा भैया बताओ। ये हमारी जो है 300 साल पुरानी प्रथा है, जो खेड़े की पूजा होती है, ग्राम देवता की पूजा होती है, जो पूरे गांव की खुशहाली के लिए जी पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए हम माता रानी का डोरा लेके हम शक्ति वाले की ओर जाते हैं। और ये आज से नहीं, पिछले 300 सालों से हमारे बुजुर्ग, हमारे जो हमारे पूर्वज हैं, इस पूजा को करते आ रहे हैं। और अब हम उन्हीं को देखते हुए आगे इस प्रथा को बढ़ा रहे हैं। और हम सभी से और भगवान माता रानी से और भगवान कृष्ण खेड़े वास से प्रार्थना करते हैं कि पूरे गांव की खुशहाली को बरकरार रखें और सबको आशीर्वाद दें। जय माता की, जय माता की, माता की। अभी भैया ने बताया भाई 300 साल, 300 साल आप समझ रहे हो। खैर मैं जो हमें बुजुर्ग ने बताया था भाई 100 साल, अब देख लो भाई 300 साल, इसका मतलब है भाई कम से कम 10वीं से 15वीं पीढ़ी होंगे हम, 10वीं से 15वीं पीढ़ी भाई। 300 साल भाई कम नहीं होता भाई, 300 साल पुरानी पूजा प्रथा भाई। अभी जाएंगे इसे सती वाले की तरफ लेके, तो भाई जय माता की, जय बड़े बाबा। दोस्तों फर्क नहीं पड़ता आप नहाए हो या आपका मुंह नहीं धुला, पर आपके काम की श्रद्धा होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप नहा धो के आए हो कि नहीं आए हो। बस काम दिल से होना चाहिए। मुझे तो लगता, मुझे लगा थोड़ा ढोल की वजह से ना आपको आवाज़ थोड़ी ठीक से नहीं आई होगी संजीव भैया की। तो बताते यार कम से कम 300 साल पुरानी प्राचीन पूजा है यार हमारे गांव की, तो अब हमारी पीढ़ी से कंटिन्यू कर रही है। तो यार कसम से बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आज सारा गाँव एक साथ भाई इकट्ठा हो गया भाई। ये देखो सारा गाँव एक साथ इकट्ठा है भाई। जय आरती वगैरह तो सब निपट चुकी थी, अब क्या था हवन भी निपट गया, अब जा रही हमारे ग्राम पंचायत ग्राम की भाई प्राचीन पूजा भाई। ये पूजा का जो वो है ना टेक्निक भाई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे भाई ट्रांसफर होता जाता है। तो भाई सुन लिया आपने भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता बंदा ना का आया, मुंह धो के आया, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, पर दिल से श्रद्धा होनी चाहिए भाई। इस पूजा में क्या है, कुछ बुजुर्ग बैठते हैं, कुछ नौजवान बैठते हैं, तो भाई ऐसे ही ये नई पीढ़ी में भाई ये सारी पूजा ट्रांसफर होती रहती है। तो इसी वजह से भाई आज तक 300 साल तक भाई ये पूजा आज तक जैसी तब चलती थी आज भी वैसी चलती हुई आ रही है पूजा। दोस्तों जोरों शोरों से चल रही है भाई, इसमें धार भी चढ़ेगी, चढ़ रही है। देवी की जय, चंडी देवी की जय, का माई की जय, वाले के देवी देवताओं की। लेके आओ बड़ा बड़ा देन करो, वैसे रेट रख के तो मैं और राहुल भैया भाई झंडा बांधने आ रखे। ये हमारा जो पुराना झंडा है इसे खोल के भाई ये वाला झंडा बांध देंगे इसमें। अब वाले पेड़ पे भाई वो दूसरे भाई लोग वहाँ पे चढ़ रखे हैं, वो वहाँ पे ऊपर बांध रखे भाई। दोस्तों डर इतना लग रहा है ना यार मुझे भाई, मैं चढ़ तो गया पर यहाँ से तरना बहुत बड़ी महाभारत है, मुझे तो तरने में भाई बहुत डर लग रहा है यार। राहुल भैया ने पूरा का पूरा बांध दिया भाई, कैसा लग रहा? बहुत गजब भाई, लोगों ने बांध दिया, वाह यार, हर हर महादेव। पूजा चल रही है भाई, सब लोग रेडी हो चुके हैं। ये देखो आप बस देखते हैं कैसे कैसे क्रिया चलती है यार, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है पूरे ब्लॉग में भाई जब ये सब कुछ आरंभ होगा। तो भाई कसम से बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, भैया कुछ बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आज हमारे गाँव में पूजा है, मतलब यार इतना अच्छा लग रहा है ना, आज पूरा गांव आज एक साथ है यार, पूरा गांव एक एक बंदा गांव का एक साथ है, साथ में बैठ के पूजा कर रहे हैं, यही तो मजा है भाई गांव का। ये देखो भाई फटाफट भाई हमारी यारों ने फल उठा लिए,
संतरा आरू कैसे ये दे कट्टा कट्टा मैं भी खा लूं सेब खा लूं थैंक यू यो देखो दोस्तों इस पे क्या रखा जाएगा इस पे वो रखा जाएगा ना अंडिया जो है अच्छा अच्छा ताकि गर्म ना लगे है ना यार हाँ। देखो बहुत ही पुरानी हमारे पुश्तैनी रीति रिवाज है भाई है आज हमारे बुजुर्ग सिखा रहे हैं कल हम आगे सिखाएंगे दोस्तों लोग हाँ। आगे तुमने करना है ये काम सही बात है तो भाई ऐसे ये रीति रिवाज भाई चलते हुए आ रहे हैं भाई हो गई पूजा शुरू एकदम अब परिक्रमा शुरू हो जाएगी ना अब इसके बाद सात चक्कर लेंगे और उसके बाद भाई तुरंत एकदम भागना शुरू करेंगे साहब दोस्तों बस आने वाला है बस मेरे साथ है पांच परिक्रमा हो चुकी है दो और बची उसके बाद देखना क्या मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा दोस्तों भाई सब चल रहे भाई सूट लग चुका है ये देखो भाई जय माता दी बहुत मजा आ रहा है यार जय माता दी भाई डेस्टिनेशन है डोला की तो भाई वहाँ पे पहुँच चुका है मजा आ गया ऐसा लगा था आर्मी की रैली चल रही भाई तीसरा चक्कर चौथा चक्कर मजा आ गया क्या भाई पर भाई जो भी कहो बात यह है कि भाई इतने बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भाग रहे थे ना भाई साथ में गिल्लो गिल साथ में भाई कदम से कदम मिला के दोस्तों अब यहाँ पर ले आए ना अब यहाँ पे सब अपनी अपनी पूजा करते हैं ठीक है अब मैं भी निपटा देता हूँ अतुल भी निपटा देगा भैया सब निपटा रहे हैं और फिर क्या करेंगे मैं वापसी थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके तो भाई पूजा वगैरह सब निपट चुकी है अब वैसे रीति रिवाज तो है कि अगर आप जैसे पूजा कर ली ना तो लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते पर हम पे तो बैक कैमरा है अब आगे देख रहे हैं भाई तो हमारा क्या है पीछे मुड़ के नहीं देखते अब हम निकल चुके हैं घर के लिए भंडारा वगैरह होगा कड़ी चावल वगैरह खाएंगे भाई ठीक है बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज देखो पसीना कितना आ गया पूरा अंदर से कपड़े भीग गए भाई यार देखो ये रॉ मिल भाई पहुंच गया अब क्या है पूजा के लिए थोड़ा थोड़ा सब निकाल रहे हैं खाना यार अब यह है ना पूजा हो जाएगी पहले क्या है पितरों को देवताओं को चढ़ाएंगे उसके बाद क्या है भाई कन्या का भोजन शुरू करेंगे उसके बाद भाई पहली पंगत बैठेगी तो भाई पहले कढ़ी है आलू है चावल पूड़ी ये सब है भाई बहुत मजा आने वाला क्या है भाई प्रसाद बट रहा है तो कन्याओं को खिलाना शुरू हो चुका है भाई खाना इसके बाद भाई पहली पंगत बैठेगी देखो राहुल भैया सर्व करते हुए जहाँ पे पूड़िया बन रही थी मैं वहाँ पे आ गया ये देखो कौन बैठा हुआ है सवास टुल्लू भाई दवा के पूड़िया बन रही सब अपना अपना हाथ बटा रहे हैं अपना अपना योगदान दे रहे हैं भाई सब लगे हुए हैं ये हमारे प्रताप भाई जी ये लगे हुए हैं सुशील अंकल देखो सबके योगदान से पूरा काम हो रहा है क्या है भाई अभी बहुत भूख लग रही थी क्या है अभी तो यार लेडीज पंगत खा रही इस चक्कर से भाई
रायते से काम चला रहे। भाई रोटी का नंबर नहीं आ रहा, तीसरा गिलास रहा था भाई। टुल्लू गिलास लगे हुए, बहुत भूख लग रही भाई, सुबह से कुछ नहीं खा रखा, दो बज गए भाई। कम से कम डेढ़ घंटे इंतजार करने के बाद अब जाके भाई नंबर आया, पंकज में बैठ रहे, तो भाई अब शुरू करें भाई। मैं राहुल भैया बंदर भाई, भाई रायता आ गया फिर से, हलवा पूड़ी, अभी कड़ी लेंगे और भाई थोड़े से चावल। भाई कड़ी हलवा यार, भंडारी कड़ी से ज़्यादा स्वाद भाई कोई चीज़ नहीं है, कसम से भाई। अब शुरू करते हैं। तो भाई भंडारा वगैरह सब निपट गया, मतलब खाना वगैरह सब खा लिया, पेट फुल हो चुका है हलवे से। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया भाई आज की पूजा में यार, खेड़ा पूजन में भाई। तो भाई जी जिसने भाई चैनल को लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो भाई चैनल को भाई। तो भाई धन्यवाद अब तक भाई लास्ट तक ब्लॉग देखने के लिए भाई। जय भोले बाबा की। There's a reason for my feelings, there's a reason why I'm healing.